आपके साथ तन्वी सूद। रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म संजू का सभी को बेसब्री से इंतजार है। हाल ही में इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसे देखने के बाद ये बात तो साफ हो गई है कि राजकुमार हिरानी जैसे डायरेक्टर कुछ भी कमाल कर सकते हैं। इस फिल्म में आपको ड्रामा, इमोशंस, कॉमेडी, रोमांस सब देखने को मिलने वाला है। जहां एक तरफ संजय का प्यार दिखाया गया है, तो वहीं उनके स्ट्रगल को भी काफी अच्छे तरीके से राजकुमार ने दर्शाया है। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रही हूँ राजकुमार हिरानी की फिल्म में हिट होने का फॉर्मूला। जी हाँ, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नंबर वन, मेन कैरेक्टर। अगर आपने राजकुमार हिरानी की फिल्में देखी हैं, तो आपने इस बात पर भी जरूर गौर फरमाया होगा कि उनकी फिल्मों का जो लीड कैरेक्टर होता है, वो बाकी के किरदारों से काफी अलग होता है। ये कैरेक्टर दूसरों को जिंदगी जीने के तरीके सिखाता है और लोगों के दिलो दिमाग में एक अलग छाप छोड़ जाता है। नंबर टू, नरेशन। फिल्म संजू के ट्रेलर में अगर आपने देखा हो, तो पहले रणबीर कपूर कहानी को नरेट करते नजर आते हैं। वैसे ही हिरानी की हर फिल्म में कोई ना कोई कैरेक्टर दर्शकों के लिए फिल्म की कहानी नरेट करता दिखाया जाता है। इससे ऑडियंस फिल्म से जुड़े रहते हैं और ये फिल्म को और इंटरेस्टिंग बनाता है। और शायद यही वो फॉर्मूला है जो हिरानी को बाकी डायरेक्टर से अलग बनाता है। नंबर थ्री, फिल्म में यूनिक लाइन। हिरानी की फिल्मों में अक्सर एक यूनिक लाइन जरूर होती है। पीके में ई तो रॉन्ग नंबर है, मुन्ना भाई में जादू की जप्फी, थ्री इडियट्स में ऑल इज वेल, ये वो लाइन्स हैं जो फिल्म देखने के बाद भी लोगों के दिमाग में बस जाती है। उनकी फिल्मों के डायलॉग्स भी इतने गजब के होते हैं जो उनकी फिल्म को और इंटरेस्टिंग बना देते हैं। नंबर फोर, स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज। पीके फिल्म हो या फिर थ्री इडियट्स, राजकुमार हिरानी अपनी हर फिल्म के जरिए एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज देते हैं। नंबर फाइव, बोमन ईरानी फैक्टर। वैसे देखा जाए तो बोमन ईरानी को राजकुमार की हर फिल्म में देखा जाता है। मुन्ना भाई, लगे रहो मुन्ना भाई, पीके, थ्री इडियट, सभी में बोमन दिखाई दिए थे। इतना ही नहीं, अब वो संजू फिल्म में भी एक इम्पोर्टेंट रोल में नजर आएंगे। वैसे बोमन को राजकुमार हिरानी का लकी चार्म भी कहा जा सकता है। आपको हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।